दोस्तों भारत में जाति सर्वव्यापी तत्व है। जातियाँ तो दूसरे धर्मों में भी होती है और उनमें भी उच्च निम्न और शुद्ध अशुद्ध जातियों का वेद विद्वान है। लेकिन बात सिर्फ हिंदू जातियों की इसलिए होती है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और जातियों में फूट डालकर या जातिवाद को बढ़ावा देकर ही सत्ता हासिल की जा सकती है। हालांकि कुछ लोग यह भी जानते हैं फ्रेंड्स कि इससे धर्म परिवर्तन करना आसान होता है। दोस्तों माना जाता है कि हिंदुओं को विभाजित रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश राज में हिंदुओं को तकरीबन 2338 जातियों में विभाजित किया गया था। ग्रंथ खंगाले गए तो हिंदुओं को ब्रिटिशों ने नए नए उपनाम देकर स्पष्ट तौर पर जातियों में बांट दिया। यह कार्य मुगल काल में भी हुआ करता था। आज जो हम हिंदुओं में जिस तरह की जातियाँ देखते हैं वे कभी भी 7वीं सदी के पहले ऐसी नहीं थी। खैर दोस्तों अधिकतर लोगों को सूत, छुद्र और शूद्र, अछूत आदि शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता। इन्हीं शब्दों को जाति से जोड़कर देखा गया और बाद में आजादी के बाद दो शब्दों का और आविष्कार कर दिया गया, हरिजन और दलित। इन दोनों ही शब्दों को जानबूझकर छुद्र और शूद्र शब्द से जोड़कर प्रचारित किया गया। लेकिन अधिकतर लोगों को हिंदू धर्म की जरा भी जानकारी नहीं है, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग जाति में बट गए। दोस्तों दरअसल छुद्र का अर्थ होता है छोटा। आकाश में कई क्षुद्र ग्रह विचरण कर रहा है और शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी, अर्थात शूद्रेन ही समस्त वाद यतेन वेदे न जायते, अर्थात जब तक कोई वेदा अध्ययन नहीं करता तब तक वह शूद्र के समान है। वह चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो मनुष्य अपने अज्ञान तथा अविद्या के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह शूद्र रह जाता है। मतलब यह कि वह समाज की दौड़ में पिछड़ जाता है या नीचे रह जाता है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही है। जन्मना जयते शूद्रा संस्कारता द्विज उज्यते, अर्थात शूद्र नाम से कोई जाति नहीं और ना ही कोई वर्ण है। जो शूद्र को शूद्र समझते हैं यह बात उनके दिमाग में सैकड़ों वर्षों से बैठाई गई है। बार बार किसी शूद्र को दोहराने से वह सत्य लगने लगता है और समाज उसे ही सत्य मानता रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं सूत शब्द की। यह सूत शब्द क्षुद्र और शूद्र से भिन्न है। प्राचीन काल में हर देश के लोग अपने समाज में ही विवाह करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि समाज में किसी अन्य समाज का रक्त मिले। यह आज भी होता है। गौरव वर्ण के यूरोपीय लोग नहीं चाहते कि उनके लोग अफ्रीका के लोगों से विवाह करें। ऐसे लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। आज भी यहूदी और पारसी दूसरे समाज के लोगों से विवाह करने को बुरा मानते हैं। यह भावना किसी धर्म से नहीं आती है, यह सामाजिक भावना है। इसी तरह की भावना भारत में भी है। कहते हैं जो लोग अंतरराष्ट्रीय विवाह कर लेते थे उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था। ऐसे लोगों का एक अलग समाज बन जाता था। इन्हीं समाज के लोगों को अलग अलग काल में अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। हालांकि राजा लोग इस मामले में अपवाद थे। मतलब यह कि जिसके पास शक्ति है उसके सभी तरह के अपराध क्षम्य होते थे। यह भी कि उसके उस पुत्र को राज्य का अधिकार नहीं मिलता था जिसकी माता किसी अन्य समाज से हो। दोस्तों मनुस्मृति से हमें यह ज्ञात होता है कि सूत शब्द का प्रयोग उन संतानों के लिए होता था जो ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय पिता द्वारा उत्पन्न होते थे। लेकिन दानवीर कर्ण तो सूद पुत्र नहीं, सूर्य देव के पुत्र थे। कर्ण को शास्त्र विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी थी। कर्ण द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी सीखना चाहते थे। हालांकि द्रोणाचार्य ने भीष्म को शपथ दी थी कि मैं सिर्फ हस्तिनापुर के राजपुत्रों और अधिकारियों को ही धनुर्विद्या की शिक्षा दूंगा, इसलिए उन्होंने एकलव्य को भी शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है फ्रेंड्स कि एकलव्य भी एक राजपुत्र ही थे। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और कुंती के अन्य तीन पुत्र उनके भाई थे। कुंती के कुल चार पुत्र थे, दो पुत्र नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। दोस्तों कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। एक बार कुंती की सेवा से ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक गुप्त मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र के जप से जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हारे समक्ष उपस्थित होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों ना इस मंत्र की जाँच कर ली जाए, कहीं यह यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण
सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान, अब क्या करे। तब कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए आपका जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंती गर्भवती हो गई, तब लज्जा बस यह बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने यह छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र ने जन्म लिया। कुंती उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। यह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे जा लगा। उस किनारे पर धृतराष्ट्र का सारथी अधीरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे उस शिशु पर पड़ी। अधीरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधीरथ निसंतान था। अधीरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक को अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए कर्ण का एक नाम राध्येय भी कहा जाता था। सोचिए फ्रेंड्स, यदि महाभारत युद्ध के पूर्व ही यह सार्वजनिक हो जाता कि कर्ण एक सूत पुत्र नहीं है, तो वह कुंती के पुत्र थे, तो युधिष्ठिर की जगह उन्हें ही राज्य का सर्वप्रथम अधिकार मिलता और दुर्योधन भी तब उसका शत्रु होता। दोस्तों, शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी, अशिक्षित और वेद विरुद्ध कर्म करने वाला। मनुस्मृति में शूद्रों को कहीं अछूत नहीं कहा है। महर्षि मनु ने शूद्र वर्ण के व्यक्तियों के लिए सूचि अर्थात पवित्र ब्राह्मण आदि के साथ रहने वाला जैसे विश्लेषणों का उल्लेख किया है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में शूद्रों के बारे में कहा गया है, विप्राणा वेद विदुषा गृहस्थाना यशस्वी नाम शुश्रूषैव तु शूद्रस्यः धर्मो न शेषरः परः। अर्थात वेदों के विद्वान द्विजो तीन वर्णों के प्रतिष्ठित गृहस्थों के यहाँ सेवा कार्य अर्थात नौकरी करना ही शूद्र के हितकारी कर्तव्य है। हालांकि वर्तमान में घरों में ही नहीं, कार्यालयों और अन्य संस्थानों में भी सभी वर्गों के लोग कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि महाभारत काल में सूत किसे कहते थे और क्या सूत का अर्थ शूद्र होता है या नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञान वर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।